हेलो जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका यूट्यूब ब्लॉगर बॉबी पार्क में। तो जी, हम हो चुके हैं रेडी। और आज ना मैंने जैसे ही मांगा कन्नू से, बॉबी से चाय, तो कन्नू चल दिया बनाने के लिए मेरे लिए चाय। तो बोला कि मुझे चाय बनानी पड़ेगी पापा के लिए। और देखो, इसने ये सब निकाल लिए है। ये कह रहा है कि पापा ये गैस है, और उधर वो है, वो केतली पड़ी हुई है वो दूर से, और वो कप है। तो मेरे लिए क्या बनाएंगे आप? चाय बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मेरे लिए चाय आप? क्योंकि मम्मी ने चाय आपकी मुझे नहीं बना के दी है ना। सारे को क्या बोलते हो? किचन सेट बोलते हो। ये कन्नू का किचन सेट है, और कभी कभी ये इमरजेंसी में काम आ जाता है। तो जी, इधर आ गया हूँ किचन में। खाना इन्होंने लगभग रेडी कर दिया है, मेरा पैकिंग कर दिया है, पर मैं खाना अभी लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि विभोर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं उसको डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर के क्लिनिक पर, और उनकी रिपोर्टें कराता हूँ। और रिपोर्ट कराने के बाद मैं फिर वापसी घर आऊंगा। पापा, ये क्या हो गई है? खराब हो गई है। अब गोली नहीं छूट रही है। गोली छोड़ के क्या करेंगे हम? हमें तो पढ़ाई करनी है मम्मी के पास बैठ के, है ना? पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करनी है ना। तो गोली नहीं छोड़नी है। गोली छोड़ना गंदी बात होती है, और पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। तो चलिए जी, मैं फिलहाल डॉक्टर के क्लिनिक पर लेके जाता हूँ विभोर को, उनकी रिपोर्टें करा के लाता हूँ विभोर की। आ विभोर, चल भाई। हाँ, पहले डॉक्टर को मैं बता दूंगा। पेट में रात में कान खुजला आ जाता है। डॉक्टर को मैं बताऊंगा। डॉक्टर को नहीं बताएगा, जब विभोर ठीक हो जाएगा तब ना। जब मैं बता दूंगा कान खुजला। तो देखिए, इधर विभोर खड़ा है। विभोर को आज सुबह फीवर कितना हो गया था भाई, बताना जरा। 104 फीवर हो गया था, और जबकि 3 घंटे में उतरा है। दो बार दवाई देनी पड़ी है, पहले स्टार्टिंग में, फिर दोबारा से डॉक्टर से बात करके। और डॉक्टर ने बुलाया है कि आप हमारे पास आ जाइए, इनकी जांच कराएंगे। तो हम इसको लेके चलते हैं। और ये थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है, हंस के दिखाओ एक बार। बोतल तो लगा देखो, ये बोतल से डर रहा है लगाने से, और जाने से मना कर रहा है। इसको सुई लगाते बहुत डर लगता है, तो इसको लेके जा रहा हूँ। और कह रहा है कि बस सुई लगवाना मेरे, दवाई मुझे कितनी दे दो, मैं दवाई खा लूंगा। और पिलाने को लिक्विड कितना भी पिलाओ सब पी लूंगा। नारियल का पानी भी पिया इसने, कीवी भी खा ली है। और डर लग रहा है इसको बोतल लगने से। कितना डर लग रहा है? बोतल ना लगवाने का, ये कह रहा है बोतल नहीं लगवाने का, बिल्कुल ड्रिप बिल्कुल नहीं लगवाने का, ये मना कर रहा है। ये छोड़ के आएगा मुझे डॉक्टर के क्लिनिक पे। देखिए, इसके ड्रिप लगवा दी गई है, और अब इसको बोला है सैंपल देने के लिए। फिलहाल ओनली इसका कैनुला लगवाया है, जिससे कि अब ये बार बार इसको इंजेक्शन लगाना पड़े। और जब इंजेक्शन का नंबर आता है तो ये बहुत ही डर जाता है, और इसे भी कह रहे हैं कि भाई आराम से कर, आराम से कर, कभी ये दूब जा। अभी लगवाया मैंने ये, दोबारा नहीं लगवाने का मैं इसको। तो फिलहाल इसका सैंपल ले रही है, और इसमें सैंपल नहीं आ रहा, तो डॉक्टर साहब को डर लग रहा है कि कहीं ये इसको हिलाए ना। तो डॉक्टर साहब ने इसका टाइट से हाथ पकड़ के इनको सैंपल दिलवा रही है, बहुत ही टाइट से। तो डॉक्टर साहब इसके पास खड़े, और बहुत ही टाइट से इसने हाथ पकड़ लिया है, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा था। तो फिर इसका सैंपल ले लिया गया है, अब इसकी जाँच करवाएंगे। क्या ले लेगा? पटकाटे तो आने बंद हो गए शॉप पे भैया। भैया हाँ, विभोर भैया की तबीयत खराब हो रही है, उनको ड्रिप लगवानी है। चलो आओ, चलो डॉक्टर को लेके चलते हैं। आओ, आप डॉक्टर को लेके जाओगे सब उठा के विभोर को? डॉक्टर का घर भी देख लिया आपने? हाँ। चलो तो फिर चलते आओ। चलो चलो, स्टार्ट करो। पैडल से चलाओ, पैडल से चलाओ, पैडल से। हाँ, नू ये इस तरह चला। चलो आओ, घूमो। जैसे देखो कैसा हो रहा, देख देख मुंह कैसा कर रहा, देख। ए भगवान, इतना डरपोक है भाई विभोर। देखे, एक इंजेक्शन लग भी गया, दर्द भी नहीं हुआ। क्या अब दोबारा बताओ, क्या कह रहे हो? किसके भाई के? इस भाई का लाड आ रहा है, पता भी नहीं लग रहा। देख विभोर कितना, विभोर भाई के दो इंजेक्शन लग रहे हैं। दो इंजेक्शन, दो दो इंजेक्शन क्या लग रहे? दो भाई यार, आला तो नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। तो जी, इधर तो ड्रिप चल रही है विभोर के, ऊपर चल रही है।
और इधर ना कन्नू खेल रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझे ढूंढो, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने काफी जगह ढूंढ लिया और मुझे लग रहा है कि कन्नू यही हो सकता है। आपको किसी को कन्नू अगर दिखे तो जरूर बताइएगा कन्नू कहाँ है। तो भाई कन्नू कहाँ हो आप? अरे ये निकल के आया कन्नू से, तो ये इसके अंदर छिप गया था कन्नू, जिस किसी को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और जब मैं बाहर से आया था तो मैंने भी देखा, काफी देर तो मुझे मिला नहीं, सब बोल रहे थे कन्नू को ढूंढ के दिखाओ, मुझे पता नहीं लगा, पर ये इसके अंदर बैठ गया था। एक बार बैठ के दिखाओ किस तरह बैठते इसके अंदर, कैसे और बंद कैसे करते इसको, यहाँ से करके दिखाओ बंद। ए देखो जी ये कन्नू उसके अंदर बिल्कुल छिप गया कुर्सी के अंदर और किसी को दिख नहीं रहा है। अब कन्नू को अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम? भाई कन्नू कहाँ है, कहाँ है? ये यहाँ से है कन्नू। तो जी ये था कन्नू का खेल छुपम छुपाई का, कैसा लगा आपको बताइएगा। और मैं चलता हूँ ड्यूटी, मुझे जाना है बेटा ऑफिस, है ना? नहीं ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे कल, कल को नहीं आज ही जाएंगे। बताओ स्कूटी, हाँ स्कूटी साफ करके लेके जाएंगे। तो चलो, तो जी कन्नू के पापा चले गए हैं ड्यूटी और मुझे बोल के गए हैं कि बार बार इसको देखते रहना और चेक करते रहना। अभी बुखार बुखार तो सुबह से हुआ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सुबह है ना जैसे 5 बजे थे, 5 बजे इसको 104 बुखार था, और जैसे ये टॉयलेट करने के लिए गया बाथरूम में तो एकदम से इसको चक्कर आ गए। इसकी मम्मी भी गई थी लेकिन उनसे भी नहीं संभलाए, तो फिर एकदम से भागे भागे गए कन्नू के पापा और इसके ताऊ जी, और फिर उठा करके लाए। फिर भी है ना हाथ पैर, ये कह रहा था कि हाथ पैर में बिल्कुल भी दम नहीं रहा था। तो जी ड्रिप लग रही है और ये शायद आराम कर रहा है, तो इसको आराम करने देते हैं। और डॉक्टर को भी बोल के गए कि बार बार घर पे आ करके देखते रहना इनको, उनका नंबर भी दे करके गए हैं डॉक्टर साहब का, और कह करके गए हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास कॉल कर लेना। तो जी जब तक भी आते हैं तब तक पूरा ध्यान रखेंगे इसका, सब सभी मम्मी और कन्नू की ताई जी। और देखे यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े उतार लिए हैं और इनकी अब मुझे बनानी है तय। और ऐसे ही 2 बज गए हैं काम करते करते, आपको दिखा देते हैं देखिए। तो जी देखिए शाम की चाय पी ली है हमने, तो आप सभी पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पे 2 रसोई है क्या? हाँ जी हमारे यहाँ पे 2 रसोई है, चलिए आप आज आपको दिखा देते हैं दोनों रसोईया। तो जी देखिए एक रसोई तो हमारी ये वाली है, ये वाली रसोई है, इसमें भी हम बर्तन वर्तन रख लेते हैं और खाना वाना भी बन जाता है, कभी इसमें बन जाता है कभी उसमें बन जाता है, इधर इधर भी बन जाता है यहाँ पर इसमें। ये तो आपने देखी रखी है पहले से, लेकिन वो नहीं देखी थी। और जी फ्रिज भी हमारे यहाँ पर 2 ही है, चलिए आपको फ्रिज भी दिखा देते हैं। एक फ्रिज है ये वाला जो मैं लेकर के आई थी, और एक फ्रिज है वहां पे उधर रखा हुआ है, रख लेते हैं हम इधर वाले फ्रिज में और थोड़ा सा वहां पर रख लेते हैं उधर वाले फ्रिज में, मतलब 2 फ्रिज में हम। और वॉशिंग मशीन जो है हमारे घर पर एक ही है, कुछ कभी कपड़े हम हाथ से धो लेते हैं और कभी धो लेते हैं वॉशिंग मशीन में, तो ऐसा होता है। तो जी देखिए शाम का समय हो गया है और 5 बज गए हैं, पूरे 4 बजे आर्य स्टेशन में आ गया था। और ये अपने मैंने इसको जूते पहना दिया है, ये जाने की तैयारी में है और सारी इसकी पढ़ाई हो गई है। अभी ABCD भी सुना दिया इसने, SNR भी सुना दिया है और 1-2 भी 50 तक सुना दिए हैं। तो इसकी ओरल में भी हो गया और रिटर्न में भी सारा वर्क हो गया। अब मैं इसको काम दे दूंगी घर के लिए और ये घर चला जाएगा। अभी ये खुश है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका काम आज जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि आज इसको मैथ में वर्क नहीं करना पड़ा, एक लाइन करनी पड़ी है, क्योंकि ये घर से थोड़ा सा वर्क रह गया था इसका जो मैंने घर का यहाँ पे कराया और फिर लर्न कराया है बाकी। तो जी देखिए यहाँ पे क्यारी में आ गई थी मैं, और देखिए कितना सुंदर फूल खिल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफी बड़ा है ये। और एक और फूल खिल रहा है यहाँ पे गुड़हल का, ये देखिए। तो जी देखिए यहाँ पर छोटे हाथी में फूल बेचने के लिए आ रहे थे ये भैया, और मैं भी बाहर चली गई थी फूल देखने के लिए, और यहाँ पे आंटी जी पहले से ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा थोड़े से फूल ले ली जाते जाए। और मैंने इनसे इनका फूलों का भाव पूछा तो 100 रुपए के 4 पौध बता रहे थे ये, तो मैंने सोचा कभी कन्नू के पापा मुझे आकर के कहे कि ये यहाँ से क्यों ले लिए, अच्छे फूल नहीं आते हैं,
कभी भी मैं नर्सरी से ला करके दे दूंगा। तो मैंने सोचा कि सलाह करके घर में जब भी लिए जाए, तो फोन मैंने किया था, उनको फोन नहीं लग पा रहा था, उनका भी फोन बिजी आ रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से फोन नहीं खरीदे। तुझे देखिए अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर, क्योंकि मैंने आज है ना अपना धो करके कंबल ऊपर छत पे डाल दिया था, और दुताई भी। तो जो दुताई तो मैंने नीचे से पकड़ के खिसका ली थी, और ऊपर है ना हमारे घर में चार टैंक है। ये छोटे वाला टैंक जो हमारा फूट चुका है, वो बड़े वाला टैंक जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, और दो ड्रम नीचे रखे हैं वे भी है। और जी चलते हैं बैठक वाले छत के ऊपर। और ये रही चादर, इसको भी नीचे डाल देते हैं, सूख गई है वैसे ही अभी, देखिए जी ये। चलो लेके चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शाम के समय, और इस टाइम आकर के पैर बिल्कुल है ना टूट जाते हैं जब। हेलो जी, तो मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ और इधर बॉबी भी आ गई है, खड़ी है। तो मैं चला गया था, आज थोड़ा लेट गया था ड्यूटी, और थोड़ा जल्दी करके भी आया हूँ क्योंकि रिबोर की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसको फीवर में बोतल लगी हुई थी, तो उसको एक ही बोतल लगाई है जो कि डॉक्टर साहब आ गए थे, उन्होंने निकाल दी है। मैं आया तो अभी वो लेटा हुआ आराम कर रहा है और मैं उससे मिल लिया हूँ। अब इधर बॉबी के पास खड़ा हूँ, तो वो भी बताएगी जब उसको ड्रिप चल रहे थे तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं, बस वैसे वो घबरा रहा था बहुत ज्यादा ड्रिप लगने से। वो थोड़ा घबराता है, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने उसको देखा है, वो जब वो कभी एडमिट होता था तो उसको बहुत मुश्किल से, बहुत समझा के, बहुत बहला के उसको रखना पड़ता था। वो धीरे से धीरे में घबरा जाता है और उसको घबरा के चक्कर भी आ जाती है। हाँ आज वो सुबह भी उसको चक्कर आ गए थे, जब उसको मैं ड्रिप लगवा रहा था वहाँ पे कहने बोले, तब भी उसको चक्कर आ गए थे। तो चलिए खैर, अभी वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। और उसकी जो रिपोर्ट आई है टेस्ट की, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। उसकी प्लेटलेट भी ठीक है, ESR भी ठीक है, TLC भी ठीक है, और मलेरिया भी नहीं है, और टाइफाइड भी नहीं है। वायरल बताया गया कि वायरल ही हो सकता है, और बाकी सब कुछ उसके नहीं आए हैं। तो इसलिए फीवर उसको काफ़ी तेज हुआ था, तो जिस कारण मुझे उसको टेस्ट कराना पड़ा है। 104 उसको फीवर था सुबह मॉर्निंग में जब मैंने चेक किया था, तो इस वजह से फिर आज उसको फीवर का तीसरा दिन था, तो इसलिए टेस्ट कराना भी जरूरी था। जब 3 दिन तक नहीं उतरता है तो एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या चल रही है। तो अभी करते हैं बाकी काम, और बताइए मुझे कुछ करना है तो। हाँ जी, लेकिन आप है ना मतलब थोड़ा आराम कर लेते वो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप बताओ काम बताओ। ना, वो आटा खत्म होने वाला है, और शाम के टाइम ही आपका टाइम लगता है, और भी बोल रखा था, लेकिन उसको फीवर हो रहा है, अक्षित की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ये तो सब तो रख के नहीं आ सकते। और पिताजी ऐसी हालत में नहीं आए कि आटा रख के आए, तो अच्छा आप अनाज रख के आओ चक्की अच्छा चल ठीक है। पे, हाँ ज्यादा घबरा मत, अभी अभी रख के आता हूँ, पकड़ ले फोन, चक्की पे, अभी रख और के आता हूँ। तो आटा चलो हो जाएगा। चलिए, पहले अनाज रख के आते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो जी अनाज रखने के लिए भी साइकिल है ना ले आए हैं, देखिए। तो जी देखिए ये रख लिया है इन्होंने, खड़ा आते ही ड्यूटी पे लग गए अपने घर के पैदल अच्छा बैठ के लेके जाओ या ऐसे पैदल पैदल चले जाऊं लेके? पैदल पैदल ले जाओ, कभी बैठ के नीचे गिर जाए पीछे से। ये ना साइकिल ना लोकेश की है, बड़े भाई की साइकिल, और वो तो अब स्कूटी से जाने लगा, उसकी साइकिल घर पे रहती है तो सब बच्चे चला लेते हैं, और ये ऐसे काम कर देती है आड़ा रखाने का। और कितनी पुरानी हो गई है साइकिल आपकी? बहुत पुरानी साइकिल। तो पिताजी अलग साइकिल से ड्यूटी करते थे अपनी, लेकिन पिताजी यहाँ से गांव से 25-30 किलोमीटर दूर तक पैदल ही जाते थे। पैदल मतलब साइकिल से जाते थे, बाइक वाइक उस टाइम पे नहीं होती थी। और मतलब सुबह 4 बजे से ड्यूटी पकड़ना, 5 बजे से ड्यूटी पकड़ना, आज के टाइम पे जो मतलब सुबह 4 बजे और 5 बजे उठते हुए भी जोर पड़ता है, उस टाइम पे उन्होंने 4 बजे से अपनी ड्यूटी पकड़ लेते थे वे। 4 बजे 5 बजे कभी कभी मतलब 24 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती थी। मम्मी बोलती है कि कभी कभी 24 घंटे तक भी ड्यूटी करते थे। मैं 48 घंटे की ड्यूटी, 3 दिन तक वहीं पर रहते थे, खाना भेज देती थी मम्मी, और 1-2 घंटा वहां पे आराम करके और फिर काम में लग जाते थे। तो पहले के आदमी जो थे स्ट्रोंग थे, और अब हमारे हाथों पैरों में ही दर्द रह जाता है घर का काम करने करने में ही। पता नहीं क्या तो खान पान हो रहे हैं, और क्या आदमी का शरीर रह रहा है। पकड़ लो, देखिए जी ये कर रहे हैं साइकिल की सवारी, घूम रहे हैं जिस तरह वे होते नहीं क्या सर्कस में होते हैं, वे गोल गोल घूमते रहते हैं। आज इनको भी शौक चढ़ रहा है मतलब घूमने का। ये देखिए कभी इधर कभी इधर कभी उधर। कैसा लग रहा कन्नू? मुझे आ रही बढ़िया वाली इसकी, कन्नू की तो, कन्नू और कन्नू के लिए ये कुछ भी करेंगे। देखिए देखिए कन्नू को मनाने के लिए ये पूरी मौजी आ रही ना कन्नू। हाँ
कन्नू मुझे चक्कर आने लगे बेटा, अब रहने दो, चक्कर आ रहे हैं मुझे। देखो जी मैं आ चुका हूँ घर पे और कन्नू को भी साइकिल पे घुमा दिया और सेविंग भी करवा के आ गए हूँ अपनी, और अब कन्नू करेगा अपनी मम्मी का लाड। नहीं करवाना मुझे, ये देखो नहीं मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना आपसे लाड, ना 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 मुझे नहीं करवाना, हाय हाय मुझे नहीं करवाना। कन्नू इधर आओ, इधर सुन लो मेरी बात, नहीं तो तुम्हारी मम्मी की पिटाई कर दूंगा मैं। कितने जोर से मारा, देखो किस तरह, एक और मारूंगा तुम्हें, मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं इसकी मम्मी की पिटाई कर दूंगा। आई मार दिया, आई मार दिया कन्नू। कन्नू मालिश कर रहा है भाई, मालिश कर रहा है, मैं दूसरे हाथ से मार दूंगा, पकड़ूंगा मेरा हाथ छोड़ो, मैं मम्मी की पिटाई करनी है मुझे, ये मम्मी ना तुम्हें तुम्हारी बात नहीं मानती। अगर है ना ये मेरी पिटाई करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रोने लगता है अपने पापा के, लेकिन मेरे खाते लगाने देता। अगर ये पजामी नहीं पहनेगा और टोपर नहीं ओढ़ेगा तो मैं इसकी मम्मी की पिटाई कर दूंगा। कैसे करूंगा, ऐसे ये हाथ है ना, ये हाथ ऐसे पकड़ लूंगा इसके और ऐसे पिटाई करूंगा तो मुझे मम्मी को कौन बचाएगा, और जब मैं आपकी पिटाई करूंगा तो आपको कौन बचाएगा, मम्मी हैं, और जो मम्मी ने ना बचाया तो बचा लेगी, नहीं बचा पाने की मम्मी तुम्हें, नहीं बचा लेगी। आज इसकी पिटाई पक्की है, नहीं पिटाई पक्की नहीं है, अच्छे बाबू बने गए। आज कन्नू की पिटाई पक्की है, ये देख कन्नू की पिटाई पक्की है, ये लो कौन बचाएगा नहीं, बताओ? नहीं, नहीं। बचाओ, लगाओ अपने मम्मी को आवाज लगाओ, नहीं मम्मी हाँ मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, हाँ बचा लिया, किसने बचाया, मम्मी ने बचा लिया। और ये देखो मम्मी को बचाने के लिए पहले से पहले ही ये संभाला नहीं जाता, कभी कभी तो है ना गिर जाता है मेरे हाथ से भी, ऐसे करते हैं कलाबाजी। नहीं लाड नहीं कराना मुझे, मुंह में से बदबू आती है, मुझे नहीं कराना लाड। आज तो कन्नू की कर दी पिटाई। रात के बज गए हैं 10 और कन्नू किस तरीके से सो रहा है, देखो सो रहा है तो एक पांव आता है एक पांव आता है, हमारा सारा काम निमट चुका है, चलिए कर देते हैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अगली एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा।